कर सकते। सॉल्युबिलिटी अलग से इसलिए भी देखना जरूरी हो गया क्योंकि लास्ट ईयर जेई में सॉल्युबिलिटी पे ही एक अलग से क्वेश्चन आ गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसमें वाटर में सॉल्युबिलिटी की बजाय एक्वस एनएओएच में सॉल्युबिलिटी पूछी थी, और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन सॉल्युबिलिटी के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। इसमें SiCl4 और अगर कोई बोले कि CCl4 में ज्यादा वाटर सॉल्युबल कौन रहेगा, CCl4 और SiCl4 में ज्यादा वाटर में सॉल्युबल कौन रहेगा, कितने लोग कहते हैं CCl4, कितने लोग कहते हैं SiCl4, बाकी लोग कुछ बोलते ही नहीं है। देखो नीचे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो कंपाउंड का क्या नेचर बढ़ेगा, आयनिक नेचर बढ़ेगा, इसीलिए इस ग्रुप में नीचे आते आते क्या बन जाता है, PbCl4, लेड फोर्थ ग्रुप का ही मेंबर है, तो ये वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व होता है, जबकि CCl वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। तो ये किसी भी ग्रुप के लिए क्या है, ट्रू है कि साइज अगर बढ़ता जाएगा, मतलब आप टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का टॉप टू बॉटम अगर कंपेयर करोगे तो उसके कंपाउंड्स की आयनिक नेचर बढ़ता जाएगा और सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, वाटर में बढ़ती जाएगी, और लेफ्ट टू राइट हमेशा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। SiCl4 की अगर हम सॉल्युबिलिटी, एक तो इस रीजन से भी बोल सकते हैं कि इसका आयनिक नेचर किससे ज्यादा है, CCl4 से, ठीक है, और इसकी सॉल्युबिलिटी SiCl4 की हम एक रीजन और बोलते हैं कि SiCl4 नॉट ओनली डिजॉल्व इन वाटर बट इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर। मार्जिन के ऊपर लिखना SiCl4 एक एक्सेप्शनल सा काम है, और ये पी ब्लॉक में आता है क्वेश्चन कि CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड व्हाइल SiCl4 कैन बी, तो उसका भी जब अपन पी ब्लॉक में पढ़ेंगे तब भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी एक स्टेटमेंट लिख लो कि SiCl4 इज नॉट अ हाईली आयनिक कंपाउंड, SiCl4 इज नॉट अ हाईली आयनिक कंपाउंड बट स्टिल इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर due to the fact that it actually reacts with water, to form SiOH whole 4, to form SiOH whole 4। तो सबसे पहली चीज जो हम सॉल्युबिलिटी में लिख रहे थे वो क्या, कि किसी भी कंपाउंड का अगर आयनिक नेचर क्या है, ज्यादा है, तो उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। दूसरी बात, यहीं से कंसेप्ट ये निकला कि सॉल्युबिलिटी में कई बार ऐसा भी होता है कि कंपाउंड आयनिक नहीं है। अब NaCl से MgCl2 पे जाता हूं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, AlCl3 पार्शियल सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन SiCl4 AlCl3 से ज्यादा सॉल्युबिलिटी क्यों दिखाने लगता है, जबकि साइज तो उसका और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका कारण यह है कि SiCl4 एक्चुअली वाटर से क्या करने लगता है, रिएक्ट करने लगता है, और कोई भी चीज अगर किसी दूसरी चीज से क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दूसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या हो गया कि अगर दो चीजें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में एक दूसरे से क्या करने लगे, रिएक्ट करने लगे, तो उन दोनों की सॉल्युबिलिटी एक दूसरे में क्या कही जाएगी, इलेवेटेड सॉल्युबिलिटी कही जाएगी। तो एक तो वाटर में सॉल्युबिलिटी है, अब जैसे NaCl वाटर में जा रहा है तो NaCl क्या वाटर से रिएक्ट कर रहा है, NaCl वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा, वो तो बेचारा सिर्फ क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, और डिसोसिएट हो रहा है इसलिए क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है। तो इसका रीजन रिएक्टिविटी नहीं है, NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर, द रीजन इज नॉट द रिएक्टिविटी, इट इज द डिसोसिएशन। तो जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल क्यों है, तो हम रीजन लिखते हैं कि why they are soluble, because they dissociate in water। लेकिन SiCl4 आप कहीं से कहीं तक, SiCl4 फोर्थ पी ब्लॉक का मेंबर है, मेटेलिक है नहीं, तो वो वाटर में डिसोसिएट तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वाटर में क्या हो जाता है,
डिसॉल्व हो जाता है, उस डिसॉल्व होने का कारण डिसोसिएशन नहीं है, उसके डिसॉल्व होने का कारण क्या है? रिएक्टिविटी. तो इसी में एक नोट लिखो कि इफ टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर, इफ टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर, दे आर सेड टू बी सॉल्युबल इन ईच अदर. इफ टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विद, इफ टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर, देन दे आर सेड टू बी सॉल्युबल इन ईच अदर, देन दे आर सेड टू बी सॉल्युबल इन ईच अदर. तो एक क्वेश्चन लिखो, कैन एनएच थ्री बी सॉल्युबल, कैन एनएच थ्री बी सॉल्युबल इन बी एफ थ्री, कैन एनएच थ्री बी सॉल्युबल इन बी एफ थ्री. ठीक है, दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, इसको ए लिख लो, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट. What are the hybridizations of nitrogen and boron? What are the hybridizations of nitrogen and boron before they get solubilized in each other? Before they get solubilized in each other. बिफोर एंड आफ्टर लिख लेना, बिफोर एंड आफ्टर दे गेट सॉल्युबलाइज इन ईच अदर. सेकेंड सी पार्ट इसी क्वेश्चन का, व्हाट आर द ज्योमेट्रीज अराउंड नाइट्रोजन, व्हाट आर द ज्योमेट्रीज अराउंड नाइट्रोजन एंड बोरॉन before and after the solubilization, before and after the solubilization. बस अब हमसे पूछ रहे हैं कि क्या NH3 और BF3 एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकते हैं. अब ये कहानी ये है कि NH, हम जनरली सॉल्वेंट में वाटर देखते आए, ठीक है. हमें अगर कोई बोले कि BF3 सॉल्वेंट है क्या, तो एकदम हमारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता कि BF3 क्या हो सकता है, एक सॉल्वेंट हो सकता है, स्ट्राइक नहीं होता, ठीक है. NH3 जरूर कभी कभी स्ट्राइक हो जाता है कि NH3 सॉल्वेंट हो सकता है, लेकिन डायल्यूट NH3 अपन ने लिया भी है कि सोडियम मेटल या फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के मेटल्स जब अपन लिक्विड अमोनिया में लेकर अमोनिया में डालते हैं तब वो ब्लू कलर का सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन अभी हमसे पूछ रहे हैं कि NH3 BF3 क्या एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं, तो हमसे पहली बात तो ये जानना नहीं चाह रहे कि कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, वो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि वो डिसॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं. अब सिंपल बात यह है कि यहां पे हम ये ले नहीं सकते कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर, क्योंकि इसमें अपन ये नहीं जान सकते कि किसका आयनिक नेचर लेना है, ठीक है. क्या BF3 पोलर है, क्या NH3 पोलर है, NH3 पोलर है क्या, हाँ कि ना है, BF3 पोलर है, हाँ कि ना, हाँ अक्षय तू तो निपट चुका है. BF3 का शेप अपन क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर बोलते हैं, मतलब तीनों फ्लोरीन एक ही प्लेन में है, तीनों फ्लोरीन एक ही प्लेन में है. तब क्या होगा कि जो फ्लोरीन इधर से फोर्स लगाएगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो एक फ्लोरीन इधर से फोर्स लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है. इस फ्लोरीन का जो फोर्स है वो इन दोनों फ्लोरीन के रिजल्टेंट जो यहां आ रहा है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा. इन दोनों फ्लोरीन का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसके फोर्स को कैंसिल कर देगा, और इन दोनों का, इन और इसका और इस फ्लोरीन का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसका और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसको कैंसिल आउट कर देगा. तो नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, जीरो. इन दोनों का जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट फोर्स ये रहा, उसने इसको कैंसिल आउट कर दिया. इन दोनों फ्लोरीन का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसने इस फ्लोरीन के
फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया और इन दोनों का जो इन दोनों फ्लोरीन का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसने इस फ्लोरीन के फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया, तो नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल में क्या है? जीरो। नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल में जीरो है तो डायपोल मोमेंट हम कहेंगे कि क्या है? जीरो। और अगर इसका डायपोल मोमेंट जीरो है तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? नॉन पोलर। ऐसा हर मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट क्या हो? जीरो, वो क्या कहलाता है? नॉन पोलर। जबकि NH3 की ज्योमेट्री पिरामिडल है, ट्रायगोनल प्लेनर नहीं है। जबकि ये दोनों ही AB3 टाइप के कंपाउंड है, ये भी AB3 है और ये भी AB3 है। इसमें भी सेंट्रल एटम से तीन एटम्स जुड़े हैं, इसमें भी सेंट्रल एटम से तीन एटम्स जुड़े हैं। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर है तो ये प्लेनर नहीं है। लोन पेयर होने के कारण ये तीनों बॉन्ड झुक गए तो ज्योमेट्री कैसी हो गई? पिरामिडल। अब एक फोर्स नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो एक फोर्स ऊपर लग रहा है इधर, दूसरा फोर्स इधर ऊपर लग रहा है, तीसरा फोर्स इधर ऊपर लग रहा है, तीनों का रिजल्टेंट फोर्स और कहां आ रहा है? ऊपर आ रहा है। तो कहीं कैंसिल आउट हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो NH3 कैसा है? पोलर। और BF3 हमने प्रूव किया अभी कि कैसा है? नॉन पोलर। हमारा पहला कंसेप्ट बोलता है कि पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, या लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर। लेकिन ये एक क्या है? पोलर और एक क्या है? नॉन पोलर। अगर किसी ने इतना पढ़ चुका है कि यार ये पोलर है ये नॉन पोलर है, तो वो पहले दृष्टि में उसको ऐसा दिखेगा कि ये दोनों डिजॉल्व नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी खास बात क्या है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वो किस तरह से बिहेव कर सकता है? लुईस बेस की तरह से। और BF3 हम कई बार देख चुके हैं कि तीन इलेक्ट्रॉन इसके खुद के और तीन इसने शेयर किए हुए, कितने? सिक्स। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ये एक पेयर ले सकता है। जो भी चीज एक पेयर ले सकती है वो क्या कहलाती है? लुईस एसिड। तो ये पोलर नॉन पोलर तो है ही है, लेकिन साथ में दूसरी खासियत इसमें क्या है कि एक कौन है? लुईस बेस। और एक कौन है? लुईस एसिड। और अगर एक एसिड है और एक बेस, तो क्या इनमें एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है? Yes, दुनिया के कोई भी टाइप का एसिड हो, आरिनियस हो या ब्रॉन्स्टेड लॉरी हो या लुईस हो या उसानोविक हो या लक्स फ्लड हो, कोई सा भी एसिड हो और कोई सा भी बेस हो, वो हमेशा क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। और एसिड बेस रिएक्शन हमेशा क्या होंगी? फास्ट। और अगर ये दो चीज मिलके एक नई चीज बना रही है तो दे आर सेट टू बी डिजॉल्व इन ईच अदर। कि NH3 BF3 में क्या होगा? डिजॉल्व, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? रिएक्ट। क्यों करेंगे? क्योंकि एक एसिड है और एक क्या है? बेस। क्योंकि एक के पास लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहां से एक लोन पेयर गया किसके पास? बी के पास। बी के पास गया तो अब जो मॉलिक्यूल बना वो हो गया NH3 और BF3 के बीच में एक बॉन्ड बन गया। वो बॉन्ड कैसे बना? नाइट्रोजन के लोन पेयर देने से, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं। और नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। और बोरॉन ने एक लोन पेयर लिया, मतलब लोन बोरॉन पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन हमारे पास ये था कि क्या NH3 और BF3 एक दूसरे में डिजॉल्व होंगे? तो होंगे। उसका रीजन क्या है कि ऑल्दो अमोनिया इज पोलर एंड BF3 इज नॉन पोलर, बट अमोनिया कैन बिहेव एज लुईस बेस, वेयर एज BF3 कैन बिहेव एज लुईस एसिड। सो ड्यू टू एसिड बेस रिएक्शन दे आर सॉल्युबल इन ईच अदर। तो पहला लिखो, यस, पहला क्वेश्चन का आंसर, यस दे आर सॉल्युबल, बिकॉज यस दे आर सॉल्युबल ऑल्दो अमोनिया इज पोलर वेयर एज BF3 इज नॉन पोलर। दे आर सॉल्युबल ऑल्दो अमोनिया इज पोलर वेयर एज BF3 इज नॉन पोलर। BF3 इज नॉन पोलर, बट अमोनिया कैन बिहेव एज लुईस बेस, अमोनिया कैन बिहेव एज लुईस बेस वेयर एज BF3 कैन बिहेव एज लुईस एसिड, एंड BF3 कैन बिहेव एज लुईस एसिड। BF3 कैन बिहेव एज लुईस एसिड, BF3 कैन बिहेव एज लुईस एसिड। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना, अपन ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा कि दो स्टेबल कंपाउंड अगर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एडक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों जुड़ गए, उसमें से निकला कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं हुआ, रिप्लेस कुछ नहीं हुआ, एडक्ट बन गया। एडक्ट बन गया तो इसका कलर लिख लो, इट इज अ व्हाइट कलर्ड एडक्ट, व्हाइट कलर्ड एडक्ट।
नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन सॉल्युबलाइजेशन के पहले और सॉल्युबलाइजेशन के बाद, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ क्या, लोन पेयर्स। अब इसके पास तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, लोन पेयर, तो टोटल कितने ऑर्बिटल यूज करेगा ये, फोर। इसलिए इसका रिएक्शन के पहले या सॉल्युबलाइजेशन के पहले नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या है, sp3। और bf3 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तीन, और b पे लोन पेयर कितना है, कोई नहीं, तो तीन ऑर्बिटल ही यूज करेगा, इसलिए bf3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो रिएक्शन के पहले बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। रिएक्शन के बाद क्या होना है, रिएक्शन के बाद यह होना है कि नाइट्रोजन का क्या जा चुका है, लोन पेयर जा चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, लेकिन चार्जेस को अपन हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते, तो चार सिग्मा बॉन्ड बन गए और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो चार सिग्मा बॉन्ड प्लस जीरो लोन पेयर, लेकिन अभी भी कितने ऑर्बिटल्स ये यूज करेगा, चार ही करेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन सॉल्युबलाइजेशन के बाद भी क्या रहेगा, sp3। तो पहले भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3, और रिएक्शन के बाद भी इसका हाइब्रिडाइजेशन किसका, नाइट्रोजन का, क्या रहा, sp3 रहा। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा, sp3 रहा। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या था, sp2, और अब इसके पास बॉन्ड कितने हो गए, कितने बॉन्ड हो गए, चार बॉन्ड हो गए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया, sp3। तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से क्या हो गया, sp3, और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पहले भी क्या था, sp3, और अभी भी क्या है sp3। तो सॉल्युबलाइजेशन के पहले नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज था, बाद में भी sp3 रहा, लेकिन सॉल्युबलाइजेशन के पहले बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज था, बाद में क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज। तीसरी बात हमसे पूछ रहे हैं कि इनकी ज्योमेट्रीज क्या थी सॉल्युबलाइजेशन के पहले और सॉल्युबलाइजेशन के बाद। पहले हाइब्रिडाइजेशन था sp3, लेकिन चार सिग्मा बॉन्ड नहीं थे, एक क्या था, लोन पेयर। हम शेप निकालते में बॉन्ड पेयर्स को तो इंक्लूड करते हैं, लेकिन लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए अपन बोलते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी अमोनिया का जो शेप है वो टेट्राहीड्रल नहीं है। sp3 में जनरली क्या होता है, टेट्राहीड्रल, लेकिन अभी टेट्राहीड्रल नहीं है, अभी लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, तो शेप कैसा दिखता है, पिरामिडल। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी अमोनिया का जो शेप था या नाइट्रोजन के अराउंड जो ज्योमेट्री थी वो कैसी थी, पिरामिडल। लेकिन अब लोन पेयर नहीं है, चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड, तो इसके अराउंड जो ज्योमेट्री है वो कैसी हो जाएगी, टेट्राहीड्रल। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदला, लेकिन उसका शेप या उसके उसके अराउंड ज्योमेट्री चेंज हो गई। तो पहले ज्योमेट्री क्या थी, पिरामिडल, और बाद में ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहीड्रल। ठीक है, बोरॉन में सॉल्युबलाइजेशन के पहले हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, तो शेप क्या था, ट्रायगोनल प्लेनर। और अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया है, तो इसका शेप भी क्या कहलाने लगेगा, टेट्राहीड्रल। लेकिन फिलहाल जो काम की बात है सॉल्युबिलिटी, वो ये कि NH3 और BF3 पोलर और नॉन पोलर होते हुए भी एक दूसरे में डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, रिएक्ट। तो सॉल्युबिलिटी पोलैरिटी पे अकेले डिपेंड नहीं करती है, वो और किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है। तो जनरली जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जो ज्यादा पोलर है, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और हमारा जो प्राइमरी कंसेप्ट है वो ये है कि पोलर चीजें पोलर में डिसॉल्व होनी चाहिए, नॉन पोलर में डिसॉल्व होनी चाहिए। लेकिन इसमें पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व हो रहा है, जिसका रीजन क्या है, रिएक्टिविटी। ठीक है, तो पहला रीजन आयनिक नेचर, और दूसरा रीजन क्या हो गया, रिएक्टिविटी। तीसरी बात लिखो, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, किसकी डिपेंडेंसी, सॉल्युबिलिटी की डिपेंडेंसी, किसकी सॉल्युबिलिटी की, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर।
टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कि घटती है? सॉलिड्स की बात कर रहे हैं अपन, अभी लिक्विड और गैस वैस की बात नहीं कर रहे। अगर हम कोई सॉलिड को वाटर में ही सपोज डिसॉल्व करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड्स की। कैसे मालूम तुम? कोई एग्जांपल? शुगर को पानी में डालते हैं तो जितनी डिसॉल्व होनी थी हो जाती है, और बाद में और डालनी होती है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तो चाशनी बन जाती है। पहले शुगर सॉल्यूशन रहता है, फिर शुगर सायरप बन जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला मिसकंसेप्ट देख लेना तुम्हारे दिमाग में जो बैठा हुआ है कि हमेशा सॉलिड्स की टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये मिसकंसेप्ट है, ये कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, लिखो कि इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, इट इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। If the process is endothermic, then it is favored at high temperature, like solvation of sugar. NaCl, AgNO3, etc. अगर प्रोसेस कैसी है एंडोथर्मिक, तो हमें मालूम है कि हर एंडोथर्मिक रिएक्शन किस पे फेवरेबल है? हाई टेम्परेचर पे। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें सिस्टम सराउंडिंग से क्या लेता हो, हीट लेता हो। ठीक है, तो उसको सराउंडिंग से लेनी है, तो आप अपनी तरफ से जितनी ज्यादा हीट दोगे वो सराउंडिंग से उतनी ज्यादा हीट लेगा और उतना ज्यादा प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ेगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस ही क्या है, फेवर्ड है किस पे? हाई टेम्परेचर पे। तो शुगर का वाटर में डिजोल्व होना क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। NaCl का वाटर में डिजोल्व होना क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। NH4Cl का वाटर में डिजोल्व होना क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए ये सब क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी कंपाउंड का वाटर में सॉल्युबलाइजेशन या सॉल्वेशन एक्सोथर्मिक हुआ और फिर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जनरलाइज्ड बात नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ये ट्रू नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं केसेस में बढ़ती है, उन्हीं सॉल्ट्स में, उन्हीं कंपाउंड्स में बढ़ती है जिनमें वाटर में डालने पर प्रोसेस क्या होती है, एंडोथर्मिक। अगर वाटर में डालने पर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आप NaOH लेते हो, NaOH कभी भी लैब में NaOH बहुत मिल जाएगा तुम्हें, तो एक बीकर में NaOH लेना पानी में, तो बीकर गर्म हो जाता है। H2SO4 की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो लिक्विड है। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड की। लेकिन हम H2SO4 तो बहुत बार देख चुके हैं कि H2SO4 वाटर में डालते हैं अपन तो बीकर क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो वो सारी प्रोसेसेस कैसी हैं, एक्सोथर्मिक। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगी नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घटेगी। तो NaOH का जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होती है, कम होती है। तो ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें लिखो कि इफ द सॉल्वेशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, इफ द सॉल्वेशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, देन सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ द सॉल्वेशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, देन द सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देन द सॉल्युबिलिटी इज inversely proportional to temperature, like in case of NaOH, और आप ले सकते हो H2SO4 etc. H2SO4 although एक लिक्विड है लेकिन अपन अभी एक्सोथर्मिसिटी की बात कर रहे हैं। तो जो भी प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक होंगी वो क्या होंगी, हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल नहीं होंगी। वही
प्रोसेसेस हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होंगी जो क्या रहेंगी, एंडोथर्मिक। ऐसा कौन बोलता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट लो टेम्परेचर? कौन बोलता है ऐसा? लीच एटलियर्स प्रिंसिपल। तो मार्जिन के ऊपर लिख लो कि अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर्स प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर्स, अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर्स प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। ठीक है, और आगे नहीं लिख रहा है अपन की एंडोथर्मिक आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, वो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, कौन बोलता है? लीच एटलियर्स प्रिंसिपल। दूसरा कोई ऐसी चीज है जिससे हम ये जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर? ऐसा कोई और रूल, ऐसा कोई और कुछ फॉर्मूला, कुछ भी कहीं पे भी पढ़ा? हाँ, जोर से बोलो। लेवोजियर लॉ? नहीं, लेवोजियर लॉ क्या है? लेवोजियर लॉ ये है कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होती है। वो ये नहीं बोलता कि फेवर कहां पे होती है। हाँ, कौन सा रूल? अरे रे रे रे, स्कूल ज्यादा जा रहा हो क्या आजकल? नहीं नहीं, स्कूल नहीं जाना है अपने को, ये सब लफड़ा स्कूल वाले ही शुरू करते हैं। और कोई रूल? गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और हम कहते हैं, लिख लो दूसरा पॉइंट, ये सब तुम्हें मालूम होने चाहिए कहां कहां से क्या क्या चीजें अपन बोलते हैं। अपन कहते हैं फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी शुड बी क्या? नेगेटिव। डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अब अगर प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच का साइन तो कैसा हो गया? नेगेटिव। ठीक है, अब डेल्टा एच का साइन अगर अपने को नेगेटिव दिया गया है, क्योंकि प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक है ही, और अपने को स्पॉन्टेनिटी मतलब रिएक्शन अगर फेवरेबल है कि नहीं है वो देखते हैं अपन किससे? डेल्टा जी से। फेवरेबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी मतलब एक ही बात है, कोई चीज अगर, कोई प्रोसेस अगर ज्यादा फेवरेबल है तो इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो हमें डेल्टा जी क्या रखना है? नेगेटिव। और डेल्टा एच का साइन इसमें क्या है? नेगेटिव है ही। अगर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है तो टी डेल्टा एस हमारे पास क्या होना चाहिए? टी डेल्टा एस की वैल्यू कम होनी चाहिए ताकि हम डेल्टा एच का साइन किस पे लगा दें? डेल्टा जी पे। अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू कम होगी, मतलब डेल्टा जी का साइन नेगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा हो, क्योंकि डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है। इसका मतलब टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम। और टी डेल्टा एस की वैल्यू कब कम होगी? जब टी की वैल्यू कम होगी। और टी की वैल्यू कब कम होगी? जब टेम्परेचर क्या होगा? लो, तो गिब्स फॉर्मूला, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें यही बोलता है कि साहब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट